आप सबको स्वागत है। आज हम 18 फरवरी की ईश्वरीवरदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हर किसी के जीवन में एक समय आता है और वो समय काल का समय होता है, जिसको कहते हैं कि अंतिम समय। और वो चीज ऐसी है जिसमें कि आपको या तो संतुष्टता है कंप्लीटली, या तो आप असंतुष्ट होकर जा सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा का जो आज वरदान है वो इसी चीज के बारे में है कि आपके अंदर बहुत सारी इच्छा है, कि आपको बहुत सारे परिवर्तन करने हैं, कि आपके पास में बहुत सारे संकल्प हैं ऐसे जो आपने करने थे, आप करना चाहते थे, आप कर नहीं पाए हो, या अगर आप सोचते हो कि काश मेरे पास में और समय होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। परमात्मा कहते हैं ऐसे भारी होकर के जाएंगे तो आप ऊपर जा नहीं पाएंगे, मतलब कि आप मुक्ति में जा नहीं पाएंगे। आपको फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा अगले जन्म लेकर के, और अपने आप को फिर से पवित्र बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये अपवित्रता है। हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, हम यहाँ पर अपने टाइटल्स छोड़ करके जाने के लिए, अपनी पोजीशंस अपने नाम पे लिखाई हुई जाने के लिए, या अपने रिश्तेदारों या अपने पोते नाती नातिनी बेटों बच्चों उनके लिए कुछ छोड़ करके जाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। सब कुछ यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे रहेगा, हमारे नाम से कुछ नहीं है वहाँ पर। और लोग भूल भी जाएंगे कि आप कुछ छोड़ के गए थे उनके लिए, भूल जाता है इंसान। तो क्योंकि सत्य ये है कि कोई भी चीज किसी को बिलोंग नहीं करती है, कोई भी चीज किसी के लिए नहीं है, ये सब सारी धरती भी जो भी चीजें हैं परमात्मा की हैं, हमारी नहीं है। तो इसलिए आज का वरदान कहता है कि समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले, पेटी बिस्तरा मतलब अपने लाइफ की जो एक्सपेक्टेशंस की और जो इच्छाओं की जो पेटी बना के रखी हुई, जो कि शायद हो सकती इतनी ना हो, आपकी हो सकता है इतनी ज्यादा हो सकता है बहुत ही ज्यादा हो, वो चीजें लेकर के वो भारी पेटी अपने ऊपर रख करके आप मुक्ति में जा नहीं सकते, आप लिबरेशन में जा नहीं सकते हो। तो समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भवा। समय तो कभी भी किसी का आ सकता है। तुर्की में आप अगर देखें समय हर किसी का आया हुआ था, कुछ रह गए शरीर में, कुछ छोड़ के चले गए, लेकिन वो कुछ सेकेंड की बातें थी बस। तो समय कभी भी किसी का आता है। एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह, समेटने की शक्ति मतलब किसी चीज को समेटते हैं ना, जैसे कूड़ा कचरा होता है आप झाड़ू मारते तो आप सब मिट्टी को समेटते हैं, उसके बाद में आप उठाते हैं उसको और फेंक देते हैं पैन में डाल करके। तो समेटने की शक्ति द्वारा देह, जो शरीर है, देह के संबंध, देह से क्या आता है, देह को सजाना, खिलाना पिलाना, कपड़े लगाना, ये चीज आती है देह से। देह के संबंध में क्या क्या आ जाते हैं, मैं कौन हूँ, कितनी क्वालिफिकेशंस हैं, कितना बैंक में बैलेंस है, करोड़पति हूँ अरबपति हूँ, कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या कितनी बड़ी जॉब की पोस्ट है मेरी, या मैंने कितना कितना कमाई करी हुई अपनी लाइफ में, कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने रिश्ते हैं मेरे, ये सारी चीज़ें क्या आती है, देह के संबंध आते हैं। पदार्थ, चीज़ें, संस्कार, हमारी जो आदतें हैं और हमारे आजू बाजू जो चीज़ें पोजिशन हैं, हमारी पदार्थ हैं जो सारे, वो सारे शरीर से रिलेटेड है। सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो, परमात्मा पूछते हैं हमसे कि आप तैयार हो कि अगर शरीर छोड़ने का समय आ जाए तो आपको ये याद ना आए, अरे मेरा वो काम रह गया था, अरे मुझे वहां पे जाना था, अरे मुझे उससे मिलना था, अरे मेरा ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ, अरे मेरे को उस व्यक्ति से ये बात करनी थी, अरे उसको मेरे को पैसे देने थे, अरे उससे मुझे पैसे लेने थे, अरे उसके पास में मेरा कुछ रह गया है, ये सारी चीज है, या मैं भविष्य में ये बनना चाहता था या चाहती थी, अरे मेरा ये संकल्प पूरा नहीं हुआ। परमात्मा कहते हैं इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। हमारे अगर आप कोर्स करेंगे 70 कोर्स में, लास्ट के 8वें दिन पे या 7वें दिन पे आप देखेंगे वहां पर कि आपको अष्ट शक्ति का लेसन कराया जा रहा है। राजयोग मेडिटेशन करने से आपके अंदर 8 शक्तियां आ जाती है, जिसमें से एक शक्ति है समेटने की शक्ति, कि आपकी जो जीवन की जो इच्छाएं होती हैं, ये कर लूं, वो बन लूं, ये बना लूं, ये कर लूं, ये सारी चीजें समेटने लगते हो आप, और जितना आप समेटते जाते हो उतनी आपकी पावर कंसंट्रेशन की बढ़ती जाती है, और ये सारी पावर आप लगा सकते हो परमात्मा से जुड़ने में। तो परमात्मा पूछना है समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं, उसमें सिंपल बना हुआ है पेटी बिस्तरा पैक करने का। संकल्प भी ना आए कि अभी यह करना है, यह बनना है, अभी यह रह गया है, ये काम कब होगा, ये कैसे होगा, कौन करेगा, कब कराएगा, इतना लेट क्यों, इतना जल्दी क्यों नहीं, ये सारी चीजें, ये करूं तब मैं चैन की सांसें लूं, या ये एक कार्य करके जाऊं तब मैं मुक्ति में जाऊं, तब मेरी अंतिम सांस निकले, ये काम पूरा करके जाऊं, ये नहीं, अटकाना नहीं अपने आप को। पर
बात करते हैं, सेकंड में तैयार हो जाओ। एक सेकंड में किसी को कोई भरोसा नहीं, किसी सेकंड का भी। तो इतनी सारी इच्छाओं की लाइन मत लगा दो आगे कि आपको शरीर छोड़ते समय, अगर शरीर छोड़ने का टाइम आ गया आपका, तो आपको सारी इच्छाएं एक के बाद एक आपकी रिपीट हो रही है और आप उस समय परमात्मा को याद नहीं कर पा रहे हो। वो सारी इच्छाएं आपको घेर रही हैं जिसके आपने इतने सारे संकल्प बना लिए थे अपने लाइफ में। कोई भी संबंध वह पदार्थ याद ना आए, अरे उसका काम रह गया, अरे उसको मैं करा नहीं पाया या करा नहीं पाई मैं, ये चीजें संबंध या वो पदार्थ वो चीज, अरे उसको देना था, ये चीजें याद ना आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है, जो आज इंसान शरीर छोड़ रहे हैं, क्या उनकी ये अवस्था है कि उनको संबंध और पदार्थ ना याद आते हो? अगर आपने ऐसे लोगों को देखा है शरीर छोड़ते में और उनको संबंध और पदार्थ याद आ रहे हो और उन्हें परमपिता परमात्मा ना याद आ रहे हो, इसका मतलब कि उन्होंने फिर से पुनर्जन्म लिया है और ले रहे हैं। जब तक कि वो इस गलत फहमी से मुक्त ना हो जाए कि ये सब कुछ मेरा है, मेरे पोते, मेरे नाती, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे पत्नी, इनका क्या होगा? ये चीजें जो हैं, ये हम ड्रामा में आए हुए हैं, खेल खेलने के लिए आए हुए हैं, सब एक्टर्स हैं और हर एक्टर कुछ चीजों को इस्तेमाल करने के लिए इस धरती पर। हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, ये धरती भी हमारी नहीं है, परमपिता परमात्मा की। कुछ देर के लिए हम इसमें खेलने के लिए आए हैं, उसके बाद में हमें वापस जाना है, लेकिन कुछ भी लेके जाना नहीं है। इसलिए ये गलत फहमी हम निकाल दें कि पदार्थ की सारी चीजें मेरी हैं, इन पे मेरा नाम है, मैंने मेहनत करके कमाई है। नहीं, कोई भी चीज हमारी नहीं है। मेहनत तब होती जब मोहब्बत नहीं होती है, जब मोहब्बत होती है तो मेहनत नहीं होती। अगर परमात्मा से मोहब्बत है और उनकी चीजें सारी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ट्रस्टी हो गए, हम उनकी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ओनर नहीं है आपका। तो ये गलतफहमी निकाल दी जाए ताकि आप हल्के हो जाए। कोई भी जो आपको दिखता है आपका रिश्तेदार, वो आपका नहीं है, वो आपके साथ में एक्टिंग करने के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए अपना किरदार निभाने के लिए, वो भी वापस जाने के लिए है, नाटक पूरा हो जाएगा। तो मैं और मेरा में ना फंसे ताकि हम मुक्ति में आसानी से जा पाए। यह आज परमपिता परमात्मा का वरदान। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप ब्रह्म कुमारीज में आकर के इस विद्या को ले सकते हैं। इसको कहते हैं राजयोग विद्या। ओम शांति।